हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल से अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने सिविल स्कोर खुद से कैसे चेक कर सकते हैं और सिविल स्कोर का क्या क्या बेनिफिट होगा। तो सिविल स्कोर का जो बेनिफिट है, जो कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस पे लेना है तो उससे पहले आपका कोई भी फाइनेंस होगा, कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस होगा, उससे पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा। सिविल स्कोर चेक होने के बाद ही आपको कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस होगा। तो पहला बेनिफिट तो आपको ये हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट, अगर आपको कोई भी लोन लेना है, कहीं से भी आपको लोन लेना है, कोई बैंक लोन लेना है, कहीं से भी आपको लोन लेना है, तो उसके लिए भी आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको पहला जो आपका क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहता है तभी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड होगा कोई भी बैंक से। तो ये तो आपको बेनिफिट मिल जाता है सिविल स्कोर का। तो आप सिविल स्कोर चेक कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कि आपको सिविल स्कोर कैसे चेक करना है। तो सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है। तो कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे आपको चेक करना है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल पर नए आए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही कीजिए बेल आइकन को प्रेस ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पैसा बाजार ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां से आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहां पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं और मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। तो यहां पे अपना मोबाइल नंबर हम टाइप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मोबाइल नंबर टैप कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर टैप कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख देना है। यहाँ पे फुल नेम मांगा जा रहा है तो यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देना है। और यहाँ पर ईमेल आईडी मांगा जा रहा है तो आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी फिल कर लिया, इसके बाद इस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट में जो कि जेंडर यहाँ पे मेल पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो अगर आप फीमेल है तो आपको फीमेल पे सेलेक्ट कर लेना है, या मेल है तो मेल पे आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला प्रोसेस खुलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो क्रेडिट रिपोर्ट इस तरीके से जो खुल करके आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना हो वो सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्फ कर देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। और यहाँ पे एनुअल इनकम आपको अपना टैप कर सकते हैं, एनुअल इनकम कितना है ये आप टैप करके आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस टैप हम कर देते हैं और बिजनेस टैप में पहले कर देते हैं अदर बिजनेस। और यहाँ पे जो कि एनुअल इनकम अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप एनुअल इनकम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किए हैं तो व्यू रिपोर्ट पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेज इस तरीके से खुल करके आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फर्स्ट में सिविल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सिविल जो कि 757 सिविल बताया जा रहा है। और दूसरा नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में जो दूसरा नंबर है, यहाँ पर दूसरा नंबर पर क्लिक करते हैं तो इसमें 697 बताया जा रहा है, जो कि अलग अलग सिविल बताया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जो कि कंपनी के तहत बताया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो कि इसमें फीचर्स होता है। इसके बाद अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि अब मैं क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये हर महीने महीने फ्रेंड्स चेंज किया जाता है, हर महीने महीने इसमें अपडेट होता रहता है। तो कम ज़्यादा होता रहेगा। अगर आप कोई लोन लेते हैं और उसको टाइम टू टाइम पे करते हैं तो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, जो कि बेहतर होते जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो कि पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आपको पासवर्ड कौन सा टैप करना है, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको पासवर्ड में टैप करना है। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर चुके हैं। इसके बाद ओके पे प्रेस करते हैं। तो ओके पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि खुल करके इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पैसा बाजार कंपनी की तरफ से यहाँ पे सिविल स्कोर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर पैसा बाजार का आपको फर्स्ट में जो कि बताया जाएगा पैसा बाजार। और यहाँ पर जो कि सिविल देख सकते हैं जो कि 697 सिविल है मेरा सिविल स्कोर। और यहाँ पर सारा डिटेल्स जो कि आपको मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद फिर आपको कुछ और डिटेल्स बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोई लोन लिए तो यहाँ पे आपको लोन उन सब कुछ मिल जाएगा, कौन कौन सा लोन लिए सारे डिटेल्स आप यहाँ से टोटल अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो कि अगर आप कोई भी लोन लिए या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो उसका सिविल बेहतर बना है, किसका सिविल बेहतर बना है, किस चीज़ का आप लोन लिए थे या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किए थे, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। तो अगर आप लोन लिए हैं तो यहाँ से आप जो कि चेक कर सकते। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है। फ्रेंड्स अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया नहीं है, आपको कोई भी लोन आसानी से नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी छोटे से छोटे लोन लेना है या कोई भी बैंक से अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो आपको ले लेना है। छोटे अमाउंट का क्यों ना मिले, आपको कोई भी लोन अमाउंट छोटे अमाउंट का क्यों ना मिले, आपको लेना है और उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करना है, तब जाके आपका सिविल स्कोर बढ़िया बन जाएगा, तब जाके आप कोई भी लोन बड़ा से बड़ा अमाउंट ले सकते या आप कोई भी बैंक से जाके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सिविल स्कोर बढ़ाना है और सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपका अच्छा होगा कि कोई भी आप लोन आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही कीजिए बेल आइकन, कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।